हेलो एवरीवन, अभी हाल ही में यूजीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीएचडी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या मतलब है इस पीएचडी वाले नोटिफिकेशन का, क्या आप सभी के लिए ये उपयोगी है या एक लॉलीपॉप की तरह है। पूरी बातें इस 3-4 मिनट के वीडियो में आपको समझने को मिल जाएंगी। देखिए, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब 2018 का एक पीएचडी का रेगुलेशन आता है। ठीक है, ये रेगुलेशन 2018 था पीएचडी को लेकर के, या फिर ऐसे कहें कि असिस्टेंट प्रोफेसर को बनने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रेगुलेशन 2018 है, 2018 है, तो उसमें जो भी बातें की गई उसके साथ साथ एक बात ये भी कही गई कि 1 जुलाई 2021 से, यानी कि 2021 से आप लिख सकते हैं इसको, 2021 से यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पीएचडी है, पीएचडी जो है कर दिया जाएगा अनिवार्य। ये बात उस समय कही गई थी। और इस नोटिफिकेशन में क्या बोल गया है कि जो 2018 के रेगुलेशन में बात ली गई थी कि 1 जुलाई 2011 से यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी को अनिवार्य किया जाएगा, इसको हम बढ़ा करके ले चल रहे हैं 1 जुलाई 2023 तक। यानी कि इस हिसाब से आपको 2 ईयर, 2 साल का लाभ हो रहा है। अब चलिए थोड़ा सा ये जानते हैं कि क्या मतलब है इस लाभ का, क्या सच में ये लाभ है या सिर्फ दिखाने के लिए है। तो इस बात की कहानी शुरू होती है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो वैकेंसी आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो होती हैं इंटरव्यू बेस्ड। इंटरव्यू बेस्ड इसका मतलब क्या होता है कि आपके फॉर्म फिल कराए जाते हैं, फिर उसमें से एक शॉर्ट लिस्ट की जाती है, यानी इंटरव्यू की एक लिस्ट तैयार की जाती है। तो सवाल ये उठता है कि वो लिस्ट कैसे तैयार की जाती है, क्योंकि इसी लिस्ट वाले इंटरव्यू देंगे और फाइनली उन्हीं सबका, यानी उनमें से जितनी सीट रहेगी उनका सिलेक्शन होता है। तो ये जो इंटरव्यू की लिस्ट तैयार की जाती है, इसके लिए 2018 के रेगुलेशन में कुछ बातें बताई गई। चलिए इन बातों को भी देख लेते हैं। इसमें देखिए, आपका अलग अलग तरीके का वेटेज का मार्क्स आपको मिलता है। अब इसमें जैसे ग्रेजुएशन को अगर आप देखें, तो ग्रेजुएशन में अगर आपका 80% से अबव है तो आपको मिलता है 15 मार्क्स। 60% या इससे, सॉरी 60% से लेकर के और 80% से थोड़ा सा कम है तो आपको मिलेंगे 13 मार्क्स। वहीं अगर आपका परसेंटेज 55% से लेकर के 60 से कम है तो आपको मिलता है 10 मार्क्स। ये आपको ग्रेजुएशन में मिलने वाले मार्क्स की क्राइटेरिया बनाएगी। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में देखें तो अगर आप 80% से ऊपर हैं तो आपको मिलेंगे 28 मार्क्स। अगर आप 60% से ज़्यादा हैं और 80 से कम हैं तो आपको 25। इसी तरीके से अगर आप 55% से ज़्यादा हैं और 60 से कम हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। एमफिल का भी इसी तरीके से बना दिया गया है, मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स और मिनिमम 5 मार्क्स मिल सकते हैं यदि आपने एमफिल किया हुआ है तो। सबसे बड़ी कहानी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो देखने को मिल रही है पीएचडी। ठीक है, तो पीएचडी अगर आपने कर रखी है तो आपको मिलते हैं यहाँ पे 30 मार्क्स, जो कि इस पूरे लिस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, वहीं अगर आप नेट के साथ जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो आपको 7 मार्क्स हैं, अगर आप केवल नेट हैं तो आपको 5 मार्क्स दिया जाता है। और बाकी कुछ बातें हैं, जैसे कि रिसर्च पेपर, आपके कम से कम 5 रिसर्च पेपर होने चाहिए और इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलता है। वहीं एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये एक पूरा क्राइटेरिया बनाया गया यूजीसी के द्वारा 2018 के रेगुलेशन में। यानी कि अगर अब जैसे आपने अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, यानी एयू में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आए हुए हैं। अब मान लीजिए आपको मन में आया कि चलिए भाई, हम भी अप्लाई कर देते हैं, हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। आपने अप्लाई तो कर दिया, ढेर सारे लोग अप्लाई करेंगे। जब वहाँ पे इंटरव्यू की लिस्ट तैयार की जाती है तो वहाँ पे यही सारी बातें देखी जाती हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेगा। 5 रिसर्च पेपर अगर आपके हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, वैसे ये तो कंपलसरी है तो ये तो होना ही चाहिए। वहीं अगर आप केवल नेट हैं तो 5 मार्क्स, जेआरएफ हैं तो 10। ये जो है पीएचडी, अगर आप पीएचडी हैं तब तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे।
अगर आप पीएचडी नहीं हैं तो आपको 30 मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी आप उस अपने प्रतिस्पर्धी से पीछे हो जाएंगे जिसका पीएचडी अवार्ड हो चुका है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे भले ही 2018 के रेगुलेशन में भले ही पीएचडी अनिवार्य नहीं है, उसके बावजूद आपका इंटरव्यू कॉल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पीएचडी के लिए 30 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। अब जिनके पास ये 30 मार्क्स का वेटेज, यानी जिनको ये 30 मार्क्स नहीं मिलेगा, उनका पीएचडी की वजह से इंटरव्यू कॉल होगा ही नहीं। तो ये जो नोटिफिकेशन यूजीसी ने अभी जारी किया है, ये मात्र आपको दिखाने के लिए है। आप इसको देख करके खुश हो सकते हैं, लेकिन आपको इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। 2 साल तक आपको छूट दे दी गई है कि पीएचडी आपके लिए अनिवार्य नहीं है यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही नहीं सकते। आपको छूट ये दें या ना दें, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप कह सकते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। और मैंने आपको सारी बातें बता दिया कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर तभी बन सकते हैं जबकि आपके पास पीएचडी की डिग्री होगी, यानी कि आपके पास 30 मार्क्स का वेटेज मिलेगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, आप इंटरव्यू देंगे और उसके बाद फिर वो प्रोसेस आएगा कि आप बन पाएंगे कि नहीं। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भले ही पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं रखी गई है आने वाले 2 सालों तक, लेकिन बावजूद इसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपको 30 मार्क्स का वेटेज नहीं मिलेगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको इसमें कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।